हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल शो को देखने के लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं। काफी इंतजार के बाद जाकर बिग बॉस की शुरुआत होती है जो लगभग 3 महीने चलता है। लेकिन सीजन 13 ने आकर मानो जनता को बिग बॉस का भरपूर डोज दे दिया हो। लगभग 5 महीने तक चला ये सीजन, हालांकि अब खत्म तो हो चुका, लेकिन दर्शक अब भी उसी समय टीवी के सामने टकटकी लगाकर बैठे रहते हैं। वजह है कलर्स का रियलिटी शो मुझसे शादी करोगी, जहां बिग बॉस के दो चेहरे यानी कि पारस और शहनाज अपने लिए पार्टनर तलाश रहे हैं। अब कई सारे अनजान चेहरे एक साथ एक ही छत के नीचे होंगे तो लड़ाई झगड़े होना आम बात है, लेकिन बात जब तूतू मैमे से हाथापाई पर उतर आए तो मुद्दा काफी सीरियस होता है। इस शो से जुड़ी भी एक खबर आ रही है कि पारस छाबड़ा और शहनाज के भाई शहबाज गिल के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला है। दरअसल एक प्रोमो सामने आया है जिसके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। चलिए बताते हैं आपको क्या कहता है ये प्रोमो। दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि शो के दो कंटेस्टेंट यानी कि पारस और हीना के बीच किसी बात पर बहसबाजी हो जाती है। ये बहस आपस में ही शांत हो सकती थी, लेकिन चूंकि शहबाज हीना के काफी अच्छे दोस्त हैं तो उनसे पारस को हीना पर भड़कते देखा नहीं जाता है और वो जनाब बीच में ही कूद पड़ते हैं, जिसके बाद असली लड़ाई शुरू हो जाती है पारस और शहबाज के बीच, जहां ये दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इनकी ये जुबानी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि ये धक्का मुक्की पर उतर आते हैं। इसी बीच पारस शहबाज पर कमेंट करते हुए कहते हैं कि वो अपनी बहन शहनाज गिल की वजह से दिख रहे हैं, वो बहन की वजह से खा रहे हैं। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो यहाँ भी सिर्फ पारस ही बोले ऐसा कैसे हो सकता था। शहबाज भी पारस पर तंज कसते हुए उनकी एक्स गर्लफ्रेंड आकांक्षा पुरी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि तो आकांक्षा पुरी का खाता है तो कहाँ का राजा है, फालतू मत बोलना। ये बहस यही नहीं खत्म होती है। पारस एक बार फिर कहते दिखाई दे रहे हैं कि वो मेरी खा रही है, मेरे लिए 10 लोग खा रहे हैं। इन्हीं सब के बीच आती है पंजाब की कैटरीना कैफ शहनाज गिल, जो इन्हें रोकने की कोशिश करती हैं। खैर, इनकी लड़ाई थमेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पूरे इंसिडेंट से आपको एक ना एक बार बिग बॉस 13 की जरूर याद आ जाएगी। बिग बॉस 13 को अगर आपने करीब से फॉलो किया हो तो याद दिला दें कि पारस और आसिम में भी एक बार इसी तरह की बहस हुई थी, जहां ये दोनों एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट्स करते नजर आए थे और वहां भी लड़ाई सुलझाने का काम शहनाज ही करती थी। वैसे आप इस शो को देखना कितना पसंद करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।